Yes. फूल तो ले लिया, अब बस हाँ का इंतजार है। किकर कहाँ गया? रहता भी है। अबे सुन 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 इधर 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 इधर। अबे गुलाब ले लिया उसने। भैया भैया दो मिनट बस। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अबे गुलाब ले लिया उसने। गुलाब ले लिया? हाँ। क्या बोली? गुलाब ले लिया। कुछ बोली नहीं, लिया और चली गई। पता नहीं यार तेरा मतलब हंस के लिया या आ गया, आ गया, आ गया, वो देख, बड़े बड़े आ गया। ओहो ये गुलाब किसने दिया? कमाल लग रही है भाई यार, कमाल नहीं बवाल लग रही है भाई। एक बार ये मिल जाए जिंदगी बन जाए मेरी यार। अबे भाभी है तेरी? नूतन कब से मेरी भाभी हो गई? नूतन की बात कर रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, भाभी मेरी है भाई। बिल्कुल खड़ी हो, खड़ी खड़ी खड़ी। अरे यार आज मेरी तरफ आ रही है यार, मेरी तरफ देख रही है। अरे यार सेट कर दे भाई जरा, मेरी कह रही है तेरी नुसत क्या हो गया? अरे कहीं मजा सा, मेरे पेट में और हो रही है यार। चुप 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 हो गया, चुप चुप। अर्जुन हां तुम्हें काव्या ने वहां पे बुलाया है? हां बिल्कुल। अरे नूतन एक सेकंड। काव्या वो नूतन कह रही थी बुलाया तुमने? हाँ बैठो। तो तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुमने मुझे ही प्रपोज किया? मुझे तो तुम पहले दिन से ही पसंद थी। आज सुबह जब तुम्हें खुले बालों में देखा तो इजहार किए बिना रह ही नहीं पाया। मतलब तुम्हें जो भी लड़की खुले बालों में दिखेगी तुम उससे प्रपोज कर दोगे? नहीं ऐसा नहीं है, आज से पहले कोई सुंदर लड़की मिली नहीं, और मिली भी तो कोई खुले बालों वाली नहीं मिली ना। और कोई खूबी या फिर मतलब क्या? जैसे हर प्यार करने वाला सोचता है कि उसका प्यार दुनिया में सबसे खास हो, वैसे ही तुम मेरे लिए हो, और कीमती भी। और खूबियां गिनाने पे आ जाऊं तो गिनतियां कम पड़ जाएं और रातें छोटी। ठीक है फिर और कुछ बोलना है? मैं जाऊं? मेरी हथेली को अपने हाथों से भर दे, धीरे धीरे बढ़ रही मेरी सिरहन को अपने जज्बातों से भर दे। मैं एक और वादा करता हूँ कि कभी लूटूंगा नहीं तुमसे, बस शर्त इतनी सी है कि मेरे हर दिन को अपनी मुलाकातों से भर दे। तुम शायरी भी बोल लेते हो, ये तुमने खुद लिखी है या मतलब कहीं से देखकर बोली है? नहीं मैं लिखता हूँ। अच्छा कभी कभार मैं भी लिख लेती हूँ। अच्छा हाँ हाँ, लेकिन ठीक है हम लोगों की काफी बनेगी इसका मतलब जो मुझे लग रहा है। बिल्कुल। बाकी आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और जानने का तो क्या है, एक दिन एक दूसरे को जान ही लेंगे। तुम मुझसे प्यार करते हो इस बात की मुझे दिल से कदर है, पर मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करती। अब हम रिलेशनशिप में आ ही गए हैं तो प्यार भी हो ही जाएगा धीरे धीरे। पहले मेरा नंबर नोट करो। बाकी मेरी तुमसे एक शर्त है, रोज मुझे गुड मॉर्निंग के और गुड नाइट के मैसेज चाहिए विद शायरी। अब एक शायर वाला बॉयफ्रेंड बनाया है तो कुछ तो होना चाहिए ना, लाइक अच्छा सा। बिल्कुल ठीक है, बाकी साथ में रहते रहते और चीजें हो ही जाएंगी। ठीक है चलो, मुझे काफी लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ठीक है। काव्या हाँ? ये तुम्हारे लिए लाया था। वाओ तुम्हें पता था मुझे चॉकलेट पसंद है? हाँ थोड़ा सा। सो नाइस ऑफ यू। ओके बाय। मैं मैसेज करूंगा ना? हाँ ओके ओके। अरे किंकर आ गया तू? भाई तेरा इंतजार कर रहा था। पता है कल जैसे ही दरवाजा खुला ना, ऐसा लगा जैसे चांद से पर्दा हट गया हो। और भाई उसके बाद तो मैं तेरे को क्या बताऊं, वो बालों में क्लिप लगा रही थी, जैसे उसने मेरे को देखा ना बालों से खुले छोड़ दिए। मतलब भाई ऐसा लग रहा था कि अगर कोई रिमोट होता ना मेरे पास तो मैं पॉज का बटन दबा देता, तुरंत ही वो सारा सीक्वेंस मेरे दिमाग में फीड हो चुका है। ऐसा लग रहा दिन को कैद कर लूं, रात को अलग तरह से जी लूं। चांद पूरी तरह काव्या में फैल जाए बस। किंकर यार तू सुन तो सही मेरी पूरी बात यार, तू विश्वास नहीं करेगा भाई, जैसे ही उसने मेरे गाल पे हाथ रखा ना मजा ही आ गया भाई। ये छोड़ अब बैठ, उसकी हाँ या ना हो उससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू उससे प्यार करता है यही बहुत है, वो तुझे प्यार करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर वो तुझे हाँ करती है तो उससे अपना सब कुछ मान लियो भाई, और अगर वो ना करे तो उसकी भी इज्जत करियो। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे नफरत करना शुरू कर दे, तू तो प्यार करता है ना उससे। हाँ बिल्कुल। बस
अब जा मुझे पढ़ने दे, तू भी इंटरव्यू की तैयारी कर। अरे मेरा भाई, चल कुछ मिलते। तालियां रख ली, इंटरफेयर बनियान। हाँ अम्मा प्रणाम। हाँ अम्मा, पैकिंग हो गई अम्मा, बस निकलूंगा ही थोड़ी देर में। अभी बस खाना खा लिया था अम्मा, लेके चला हूँ मैं। हाँ बस घर। एक मिनट अम्मा, बस लगाता हूँ मैं आपको, है ना। बुरेली पहेड़ी, फिर से चिट्ठी, यार क्या नाटक है ये। मोहन, पहली चिट्ठी का जवाब अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी। मन बेचैनी में गर्म तेल जैसे उबल रहा था। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर दो हफ्ते निकल जाने के बाद भी जब चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया तो मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। न जाने आपको मेरी चिट्ठी मिली भी या नहीं, और मिली तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया। कहीं आप नाराज तो नहीं हो गए होंगे। रोज सब्जी में मसाले डालने के लिए जब हाथ अलमारी पर जाता तो दूसरी खाली अंतर्देशीय देखकर लगता कि एक और चिट्ठी लिखकर पूछूं, पर लगा शायद ये जल्दी होगा, इसलिए इंतजार करना ही सही लगा। पर आज दो हफ्ते और निकल जाने पर रहा नहीं गया, हिम्मत बटोरी और देखिए आज ये चिट्ठी लिख रही हूँ। ये प्रेम कितना अनूठा है ना, जो हमें जोड़े रखता है। ऐसे ही एक प्रेम मेरा भी आपके प्रति है, जिसे मैं सिर्फ शब्दों से ही दिखा सकती हूँ। आपकी याद बहुत आती है, पर कोई तस्वीर भी नहीं जिसे मैं देख सकूं। अब की बार आकर एक बड़ी सी तस्वीर दे जाइएगा। ये चिट्ठियों में इतनी कम जगह क्यों होती है? जगह कम बची है इसलिए खास खास बातें आपको बता देती हूँ। मेरा छोटा भाई है ना मनु, वे 10वीं में 78% नंबर लाया है। तीन विषय गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में तो डिस्टिंक्शन आई है। वे तीनों विषय उसे मैं ही पढ़ाती थी। बातों में एक खास बात यह भी कि अब कन्नू के साथ साथ किशुनी भी पढ़ने आने लगी है। किशुनी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि कहां तक पढ़ी है तो वो बोली कमल घर चल तक। ये सुनकर मैं घंटों तक हंसने लगी। अगले दिन से उसको भी मैंने अपनी कक्षा में बुलाया है। पता नहीं ये चिट्ठी आपको पहले वाले के जैसे मिलेगी भी या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आपका जवाब नहीं आया तो अगली चिट्ठी नहीं लिखूंगी, और अगर सही लगे तो चिट्ठी लिखना जरूर। इंतजार हमेशा रहेगा आपकी चिट्ठी का भी और आपका भी। आपकी कावेरी। आपकी कावेरी। कावेरी कौन है ये कावेरी, जो अपने पति को इतने प्यार से चिट्ठी लिख रही है, लेकिन उसका प्यार मेरे पास तक पहुंचता जा रहा है। ये परमेश्वर क्या चाहते हैं आप मुझसे। खैर, ये चिट्ठियां ही तो हैं जिनके चक्कर में आज मैं जिंदा बैठा हूँ। दो ही तरीके हैं अब, या तो मोहन को ढूंढूं या खुद मोहन बनकर चिट्ठी लिखूं। इस लड़की का भरोसा तो नहीं टूटना चाहिए। कल जाके चिट्ठी ले आता हूं, जवाब लिख के दे देता हूं, घर दो दिन बाद चला जाऊंगा। वैसे भी 7 दिन की छुट्टी तो है ही, लेकिन चिट्ठी का जवाब जल्दी आ गया तो थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। माँ को मैं समझा लूंगा, अगली बार थोड़े ज्यादा समय के लिए हो जाऊंगा। ठीक है अर्जुन बाबू, देखते हैं क्या होता है। प्रिय कावेरी, सबसे पहले तो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुमने इतने दिन बाद चिट्ठी क्यों लिखी, पर आज जब चिट्ठी मिली तो सारी नाराजगी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसके शब्दों से ही मिट गई। दरअसल तुम्हारी दोनों चिट्ठियां एक साथ ही मिली। डाकिये से पूछा तो उसने बताया कि उसे पहली बार में पता ही नहीं मिला। दूसरी चिट्ठी मिलने पर उसने फिर से कोशिश की, और देखो मैं पढ़ के जवाब भी लिख रहा हूँ। तुम्हारी दो चिट्ठियों का जवाब एक चिट्ठी में दे पाना मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे खुद को एक समय में दो दिशा में ले जाना। मैं अपने प्रेम के लाल रंग को इस नीले पन्ने पर बिखेर रहा हूँ, पर यह तुम्हारे रंग से हल्का है। कावेरी, शादी के एक हफ्ते बाद ही घर से चले जाना अच्छा तो नहीं लगा, पर यहाँ मिल से कुछ ही दिन की छुट्टी मिल पाई थी। एक हफ्ते में मैंने तुम्हें जितना भी जाना उससे लगा मेरे जाने के बाद तुमने घर और माँ पिता की जिम्मेदारी मुझसे बेहतर निभाई है। हाँ, यहाँ से बार बार छुट्टी लेना मुश्किल होता है, इसलिए अभी शायद मैं जल्दी ना आ सकूँ, पर आके तुम्हारे नीम के पेड़ में जो कक्षाएं लगती हैं उनको जरूर देखूंगा। हाँ, मन्नू को बहुत बहुत बधाई भिजवाना। मैं जब भी आऊंगा उसके लिए मिठाई लेकर तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। उसे इंटर के बाद BSc कराना, पढ़ाई बहुत जरूरी है। जैसे तुमने कन्नू के साथ साथ किशुनी को पढ़ाना शुरू किया है, वैसे ही गांव के और बुजुर्गों को भी पढ़ाओ। पढ़ाई और उम्र का कोई मेल नहीं है, ये तो कभी भी शुरू की जा सकती है। जब कभी मेरी फिक्र हो तो अपना ख्याल रखना, मुझे लगेगा तुम मेरा भी ख्याल रखती हो। कलम रोकते रोकते कोई वादा तो नहीं कर सकता, पर विश्वास कई दिला सकता हूँ। उनमें से एक ये भी है कि भरोसा रखना, शेष
अगली चिट्ठी में तुम्हारा मोहन। प्रतापगढ़ 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 गोंडा गोंडा बलरामपुर बोलो। क्या यार, लाइट का हमेशा से यही नाटक रहता है यार। टॉर्च कहाँ रख दिया और ये क्या, हाँ आगे लगता है। क्या कागज है, आई होप चिट्ठी हो। साइड हो यार। क्या सर, इतनी भीड़ लग रही है बैंक में, अभी कैश खुला ही नहीं है। अरे अर्जुन तुम आ गए, तुम तो परसों आने वाले थे, क्या घर नहीं गए क्या? गया था सर, वो छोड़ो, अभी तक आप देखो सर, अब एक भी कुछ खुला ही नहीं है, कैश वैश कुछ भी, पूरे में भीड़ लगी पड़ी है। तिवारी जी कहाँ है? अरे तिवारी, तुम्हारे आने से पहले वो तिवारी जी का लड़का आया था, बोला पापा का बीपी और शुगर दोनों चीज़ बढ़ गई है और वो रेस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने ऊपर फ़ोन कर दिया, ऊपर से कोई ना कोई आता ही होगा, लेकिन अब जब तुम आ गए ऊपर, मैं मना क्यों ना कर दूँ, अब क्या फायदा। अरे सर, तिवारी जी की तो हमेशा दिक्कत रहती है, ऊपर से कह के स्टाफ क्यों नहीं मांग लेते सर? अब 6 महीने तो रह गए उनके रिटायरमेंट में यार, जैसे तैसे इतना टाइम कटा ये भी कट जाएगा, क्यों जाते समय पे बोर किया जाए, परेशान किया जाए उनको। रघु तुम काउंटर संभाल लो जी। अरे रघु, अर्जुन सर आ गए, उन्हें पानी पिला। हाँ चाय भी ले आना। अब अर्जुन काउंटर संभाल लो प्लीज, बहुत भीड़ है आज। तुम आ गए तो मेरे को हिम्मत मिल गई। हाँ ठीक है, बैठ रहा हूँ मैं। सभी लोग दो दो लाइन बना लो, एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष। अभी कर रहा हूँ, 5 मिनट में काम स्टार्ट हो रहा है बस। तिवारी जी तिवारी, हर बार का नाटक है इनका। सारे वाउचर एक साइड में रख दो। मोहन आज मैं बहुत खुश हूँ, और कारण आप हैं। दरअसल आपके जवाब न आने से मेरे अंदर एक वहम पैदा हो गया था। चिट्ठी आने से लेकर और मेरी चिट्ठी लिखने तक मैंने 100 बार से भी ज्यादा पढ़ी होगी, मुझे तो एक एक शब्द रट गया है। आपकी चिट्ठी ने मेरे प्रेम को और लाल कर दिया है। मेरे पेड़ के नीचे वाली कक्षा में 5 और विद्यार्थी आए हैं, जिनमें 2 तो छोटे हैं जो 5वीं में पढ़ते हैं, पर बाकी 3 गांव की औरतें हैं जो सिर्फ लिखने तक पढ़ना चाहती हैं। दरअसल गांव में कोई नई योजना आई है, तो गांव के प्रधान ने कहा है इसका लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो हस्ताक्षर कर सकता है, यानी अपना नाम लिख सके। फिलहाल 3 आए हैं, धीरे धीरे शायद और भी आ जाएं। यहाँ नीच जात के बच्चे स्कूल नहीं जाते, उन्हें बचपन से ही कलम की जगह हसिया दे दिया जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ उनके माँ बाप भले ही उन्हें स्कूल न भेजें, पर मेरी कक्षा में भेज दें। मोहन मैं सोच रही थी क्यों ना मैं स्नातक में प्रवेश ले लूँ, वो भी प्राइवेट, घर पर ही पढ़कर परीक्षा दूंगी। मैं पढ़ने के लिए सुबह 2 घंटे पहले ही उठ जाया करूंगी, उससे घर के काम पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगी, माँ बाबूजी को मैं मना लूंगी, मुझे पूरा भरोसा है वो मना नहीं करेंगे। किशुनी का पति लाखन भी शायद वही काम करता है जहाँ आप करते हैं, वह इसी हफ्ते 2 दिन के लिए आया था, मैंने एक बार सोचा चिट्ठी लेकर उसे ही दे दूंगी, हाथों हाथ आपको मिल भी जाएगी। पर जाने कौन सा ख्याल मन में आया, फिर मैंने सोचा कि डाक से ही भिजवा दूंगी। खैर अपना ख्याल रखिए, यहाँ मैंने सबका ख्याल रखा हुआ है, आपके जवाब के इंतजार में आपकी कावेरी।